हाय फ्रेंड, पावर सब्जेक्ट हमारा। तो पावर में हम पढ़ रहे थे इंसुलेटर। तो हमारा इंसुलेटर है, पहला है स्ट्रेन इंसुलेटर। कि स्ट्रेन इंसुलेटर क्या होता है, तो इंसुलेटर में था हमारे पास पढ़ रहे थे। तो ये है द स्ट्रेन इंसुलेटर आई यूज एट द डेड एंड। ये हमारा ये पोल है, हमारे पास ये पोल बना हुआ है। इसका हम क्या कर रहे हैं, डेड एंड है, ये हमारा डेड एंड है ना, आखिरी में यूज कर रहे हैं ना, इसको हम आखिरी में यूज कर रहे हैं। द लाइन और एट द सर्पर एंड रिवर क्रॉसिंग, जहां पे हमें नदी हो समुद्र हो तो उस जगह पे क्रॉस करने के लिए, क्रॉसिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, पोल लगाते हैं। तो उस पोल में हम जहाँ लगाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रेन इंसुलेटर का हम यूज करते हैं। फिर है कॉर्नर में, किस जगह पे कॉर्नर में, कि मान लो कि ट्रांसमिशन हमारा लाइन है इस कॉर्नर से उस कॉर्नर जाता है, तो उसको हम कॉर्नर में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। दीज आर यूज फॉर हाई वोल्टेज, इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, हाई वोल्टेज कंसिस्टिंग ऑफ असेंबली ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर। ये देखो ये सभा टाइप का असेंबली टाइप का जो हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर होता है। फिर हमारे पास ये पोल बना है, इसको पोल बोलते हैं। ये हमारा क्या है, इसको ग्राउंड में ये वायर हमारा इसको कनेक्ट किया रखा है, ताकि जो हमारा ये पोल है वो टेढ़ी मेढ़ी ना हो, सीधी हो, टाइट किया हुआ रहता है। ये हमारा इसको बोलेंगे स्ट्रेन इंसुलेटर, ऐसा मन में है ना ये। तो अब ये हमारा क्या है, जंपर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, जंपर। और ये हमारा क्या है, कंडक्टर, हमारा ये लाइन कंडक्टर है। तो ये हमारा था स्ट्रेन इंसुलेटर। फिर इसमें पढ़ना है सस्पेंशन इंसुलेटर। सस्पेंशन इंसुलेटर में क्या होता है कि ये जो सस्पेंशन इंसुलेटर है ये पिन टाइप इंसुलेटर, ये भी पिन टाइप का ही होता है। कौन सा है, ये भी क्या है, पिन टाइप इंसुलेटर। ये जो है पिन टाइप इंसुलेटर आर नॉट इकोनॉमिकल बियॉन्ड 33 केवी ट्रांसमिशन वोल्टेज। जो 33 केवी जो हमारा पिन टाइप का होता है इंसुलेटर, नॉट इकोनॉमिकल, नॉट इकोनॉमिकल बियॉन्ड 33 केवी, 33 केवी ट्रांसमिशन। सो हाई वोल्टेज मूव देन 33 केवी इज यूजुअल सस्पेंशन। जो फिर है हाई वोल्टेज में क्या करेंगे, हाई वोल्टेज 33 केवी से हाई वोल्टेज होगा वहां पे हम क्या करेंगे, सस्पेंशन टाइप को क्या करेंगे, इंसुलेटर का हम यूज करेंगे। उसको हम क्या कर रहे हैं, दे कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पोरोसिलिन, जो हमारा है नंबर ऑफ पोरोसिलिन, जो हमारा इंसुलेटर होता है वो पोरोसिलिन का बना होता है, किस चीज का होता है, पोरोसिलिन का। तो उसको हम क्या करेंगे, सीरीज कनेक्टेड सिस्टम, सॉरी कनेक्टेड सीरीज, जो पोरोसिलिन जो हमारा होता है, जो पोरोसिलिन का जो हमारा इंसुलेटर होता है उसको क्या करेंगे, सीरीज में हम कनेक्टेड करेंगे। और जो हमारा सस्पेंशन टाइप का जो इंसुलेटर होता है वो मोर फ्लेक्सिबिलिटी होता है, क्या होता है इसमें, मोर फ्लेक्सिबिलिटी, मोर फ्लेक्सिबिलिटी होता है किसमें, सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर में। और द लाइन एंड मैकेनिकल स्ट्रेस आर रिड्यूस्ड, इसमें जो होता है स्ट्रेस रिड्यूस होता है, मैकेनिकल स्ट्रेस जो है इसमें क्या होता है, रिड्यूस होता है। इन द अरेंजमेंट, किसमें, जब अरेंजमेंट करते हैं, इन अरेंजमेंट, जब इसको अरेंज करते हैं, जब सीरीज में अरेंजमेंट करते हैं तो मैकेनिकल जो हमारा स्ट्रेस है वो रिड्यूस होगा।
किसमें? सस्पेंशन इंसुलेटर में। और फिर क्या, इच यूनिट ऑफ डिस इज डिजाइन फॉर 11 केवी एंड जो हमारा है इसमें 11 केवी पे होता है। नंबर ऑफ डिस इन सीरीज डिपेंड अपॉन द ऑपरेटिंग वोल्टेज, और नंबर ऑफ सीरीज में होगा ऑपरेटिंग में, मान लो ये 11 केवी में ये इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास दो इंसुलेटर, स्टैंड इंसुलेटर और सस्पेंशन इंसुलेटर। तो कल फिर हम दो, इसमें अब दो इंसुलेटर बच गए हैं, दो इंसुलेटर को कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।